हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम धीरज अनिजवाल और आपका डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के अपडेट्स, आज 21 जून 2020 के अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे। तो प्लीज़ ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन में शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। JSW सीमेंट के ब्रांड एवेंस्टर कौन बने हैं? जो सीमेंट है JSW सीमेंट के ब्रांड, उनका एवेंस्टर कौन बना है? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। आंसर दिया गया है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सेकंड क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिवस? शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिखाया गया, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPPF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, उसके अध्यक्ष में किसे चुना गया है? उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो 20 जून को मनाया जाता है, तो उसका विषय क्या रखा गया था? एवरी एक्शन कंटेंस, एवरी एक्शन कंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बनी? भारत की कौन सी कंपनी है जो 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, भारत की किस राज्य ने COVID-19 केयर होम्स की स्थापना की? जो COVID-19 है उसकी केयर होम्स की स्थापना किसने की? उड़ीसा राज्य ने, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जून को राज्यसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुए? जो राज्यसभा की जो सीटें हैं कितनी सीटों पर वोट हुए हैं? 24 पर, 24 में मतदान हुए हैं 19 जून। याद रखना, बहुत अच्छा अपडेट्स मिला है। वर्ष 2021 में UNGC का अध्यक्ष कौन था? कौन सा देश बनेगा? सॉरी, वर्ष 2021 में UNGC का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? तो भारत देश बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस देश के पूर्व क्रिकेटर रामचंद्र गोवाला गोवाला का निधन हुआ है? किस देश के पूर्व क्रिकेटर रामचंद्र गोवाला का निधन हुआ है? बांग्लादेश के थे वो क्रिकेटर, थे पूर्व क्रिकेटर रामचंद्र गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? कौन सा विद्रोह दिवस? जून विद्रोह दिवस। कहाँ पर? मणिपुर में, मणिपुर में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी से COVID-19 मरीज को ठीक होने पर उसे छुट्टी दी गई है? COVID-19 का मरीज था, उसको प्लाज्मा थेरेपी से सही करके उसको छुट्टी दी गई है, वो है कर्नाटक राज्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब।